जब से ऑडिट रिपोर्ट की न्यूज आई है, जब से बीएनबी गिरते ही जा रहा है। हालांकि बीटीसी पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन हाँ बीएनबी अभी भी नेगेटिव है। तो क्या बीएनबी का भी हाल लूना और एफटीएक्स जैसा होगा? तो देखिए, सबसे पहले बीएनबी ने अपना एक ऑडिट रिपोर्ट जारी किया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब से एफटीएक्स का केस आया है, तब से सारे जो यूजर्स है वो मांग कर रहे हैं प्रूफ ऑफ रिजर्व की। तो इसमें सबसे पहले बाइनेंस ने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व यहां पर जारी किया, लेकिन जब उस प्रूफ ऑफ रिजर्व को चेक किया गया तो उसको यहां पर फेल बता दिया गया, मिसमैच आ गया था। उसके वजह से वो जो ऑडिट थी वो यहां पर फेल हो गया, उसके वजह से बीएनबी गिरते जा रहा है। तो क्या बीएनबी का क्या होगा आगे चल के? क्या बीएनबी भी कभी ऊपर जा पाएगा या इसी तरीके से नीचे चलता चला जाएगा? क्या ये बीएनबी को हम नेक्स्ट लूना समझे या फिर नेक्स्ट एफटीएक्स समझे? ये चीज आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ टेलीग्राम चैनल को अगर फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ रिजर्व क्या है, आप लोग जानते हैं एफटीएक्स का केस हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर जो यूजर्स के पैसे थे वो उन्होंने कहीं पर और लगा दिए थे, ऐसे जगह जो कि नहीं लगाना चाहिए था। तो उसी को देखकर यहाँ पर सारे जो यूजर्स है, सारे एक्सचेंज से प्रूफ ऑफ रिजर्व का मांग किए। तो यहाँ पर जो प्रूफ ऑफ रिजर्व आता है उसमें सेम यही चीज बताया जाता है कि जैसे कि हमने जो भी ऐसे वहां पर बाय करके रखे हुए हैं, वो जो एसेट है, वो हमारे जो एक्सचेंज है, वो उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, क्या वो हमारा पैसा कहीं पर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, उनके पास रखा हुआ है। हालांकि ये 1:1 में यहाँ पर कंपेयर किया जाता है। जैसे कि हमने 10 BTC बाय करके रखा है एक्सचेंज में, तो वो जो 10 BTC है वो उनके एक्सचेंज में होना चाहिए, वो उनके पास होना चाहिए। अगर वो कहीं और लगा दे रहे हैं तो ये गलत बात है। तो 1:1 में इसको बांटा गया है। तो यहाँ पर जब इन्होंने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व जारी किया तो उसको चेक किया गया तो उसमें मिसमैच निकला था। एक कंपनी है मैजस लैब, तो उनके जो एक्सपर्ट है उन्होंने जब इसको अच्छी तरीके से चेक किया तो उसमें कुछ मिसमैच आ रहा था, जिसके वजह से ये ऑडिट फेल हो गया। और फेल होने की वजह से मार्केट में काफी सारा रूमर्स फैला कि अब जो है बीएनबी भी नेक्स्ट एफटीएक्स कहलाएगा। इसके वजह से पैनिक सेलिंग होने लग गई, और जब जब पैनिक सेलिंग होती है तब तब वो जो कॉइन है वो नीचे गिरते चला जाता है। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर ये की है कि जो बीएनबी है उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद उन्होंने अपने एक्सचेंज में विड्रॉल बंद कर दिया और जो यूएसडीसी स्टेबल कॉइन था उसको भी रोक दिया। ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया की, इसके वजह से यहाँ पर जो बीएनबी है वो उतना तेजी से अभी नहीं गिर रहा है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि कल रात की न्यूज है और कल रात में काफी ज्यादा तेजी से पैनिक सेलिंग हुई थी और बीएनबी का प्राइस हाँ कंटिन्यू जो है वो गिरते जा रहा है। पर हाँ ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि दोस्तों बीएनबी जो है वो काफी बड़ा एक्सचेंज है और काफी बड़ा कॉइन है अगर देखा जाए तो, और ये जो इनके मालिक है सीजेड, वो एफटीएक्स जैसा गलती नहीं करेंगे। हालांकि इनके काफी सारे जवाब भी आए निकल के, आप जैसे कि ट्विटर पे यहाँ पर देख सकते हैं साइड में, और इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि ये जो मिसमैच हुआ है वो उसके वजह से हुआ है क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपने एक्सचेंज में काफी सारा लोन देते हैं, आप लोग जानते हैं मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पर जो लेवरेज होता है उसके वजह से यहाँ पर ये जो ऑडिट रिपोर्ट में मिसमैच कहलाया। बाकी हमारे जो यूजर्स के एसेट है वो हमारे एक्सचेंज में पड़े हुए हैं, हमने उसको कहीं पर भी यूज नहीं किया है। तो देखिए दोस्तों, मेरे को नहीं लगता कि जो बाइनेंस है वो एफटीएक्स जैसा गलती करने वाला है, और एफटीएक्स जैसा गलती तो बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर जो इनके मालिक है वो सीजेड है। और हाँ यहाँ पर हमको यकीन है सीजेड के ऊपर, और यहाँ पर ये जवाब भी दे रहे हैं और तुरंत के तुरंत एक्शन भी कर रहे हैं, तो एफटीएक्स जैसा हाल नहीं होने वाला। तो ये आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी जो बाइनेंस की राम कहानी। यही मुद्दा जो है वो अभी चल रहा है और काफी सारे फंड जो है बाइनेंस को लेकर निकल के आ रहे हैं अलग अलग। हालांकि मेरे को नहीं लगता कुछ फायदा होगा, लेकिन हाँ देखते हैं ये जो मुद्दा है ये एक दो दिन अभी यहाँ पर चलेगा। बाकी दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना हो इसे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।